अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आजकल कराची में बारिश हो रही है, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खुदा से दुआ है कि सब अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, हर तरह की मुश्किलात से, मुसीबतों से, नागहानी आफात से खुदा आपको महफूज रखे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो आज मैं बनाऊँगी सूजी का दूध वाला हलवा, जिसके लिए ये देखिए मेरे पास चीज़ें हैं। मेरे पास ये 2 कप सूजी है और 2 कप ही मैंने इसमें चीनी ली है और 2 कप ही मैंने इसमें घी लिया है। ठीक है, ये देखें, ये वाला कप है, ये 2 कप बराबर की तीनों चीज़ें हैं और इसमें 4-5 ग्रीन वाली इलायची जाएगी और ये स्लाइस में कटा हुआ खोपरा है, किशमिश है, बादाम है, इनको मैंने धो के कट किया है। और दूसरी तरफ देखें, 1 किलो दूध जाएगा इसमें, ये मैंने बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे घी, और अगर आप चाहते हैं ऑयल में बनाना तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं इसको। इसी के साथ इलायची, तो घी डाल के तो सूजी को हम अच्छा सा फ्राई करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करें और इसको अच्छा सा खुशबू आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। बारिशों में इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, इसलिए फरमाइश थी घर वालों की कि हमें सूजी का हलवा बना के दिया जाए, तो इसलिए मैं इनका आपके साथ भी शेयर करती हूँ, आप लोग भी ज़रूर बनाएगा। देखो, इसको हम इसी तरह चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे, और इसका फ्लेम देखें बिल्कुल लो है। इसको हम अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, फिर इसमें हम दूध गर्म नीम गर्म दूध होगा, ठंडा नहीं डालिएगा क्योंकि सूजी और घी गर्म है, दूध फट सकता है आपका, ख़राब हो सकता है, इसलिए दूध को पहले बॉयल कर लें। सुबह से लाइट नहीं थी, जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई तो लाइट बंद, और अभी लाइट थी, मैंने वीडियो स्टार्ट बनाना जैसे की तो सिर्फ थोड़ी सी वीडियो बनी है तो फिर लाइट बंद हो गई है। अभी आपको देखें चेंज लगेगा थोड़ा सा, ये UPS चल रहा है, इसकी लाइट कम है, इसको इग्नोर कीजिएगा। तो ये देखें 7-8 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए, ये देखें अच्छी सी फ्राई हो चुकी हैं। अभी इसमें दूध जाएगा और ज़रा एहतियात से डालिएगा। ये देखें उल्टा ऊपर, इसलिए ज़रा आप लोग एहतियात से डालें। पूरा दूध हम इसमें ड्राई करेंगे क्योंकि ये फ्राई होगा अच्छा सा और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। इसी के साथ अभी मैं चीनी डाल दूंगी। इसका यह है कि ये आपको फुल टाइम इस पर खड़े होकर इसको बनाना पड़ेगा, इसको छोड़ना नहीं है। चम्मच चलाते रहें। दूध इसका तकरीबन ड्राई हो चुका है, अभी थोड़ा सा अभी हो रहा है, ये पूरा ड्राई होगा। तो ये देखें इसका घी अलग हो रहा है अभी, और इसको बिल्कुल अलग करेंगे इसका घी, और देखें दूध इसका ड्राई हो चुका है और इसमें अभी जाएगा थोड़ा सा खोपरा,
किशमिश और बादाम कुछ गार्निश में रखेंगे। तो हलवा हमारा तैयार है। ये देखिए इसका घी बिल्कुल अलग हो चुका है और ये देखें तो अच्छा सा फ्राई हो चुका है। मुसलसल मैंने इसको चम्मच चला के फ्राई किया है, इसको बिल्कुल भी छोड़ा नहीं था ताकि क्योंकि अगर छोड़ती तो ये नीचे लग जाता है। ये देखें बिल्कुल अच्छा सा ये फ्राई हो चुका है। अभी मैं इसको करती हूँ डिश और आपको दिखाती हूँ। तो सूजी का दूध वाला हलवा तैयार है। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।